दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक पब्लिक गैदरिंग में हैं और उस पब्लिक गैदरिंग में आपको डकार पर डकार आए जा रही है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में इन डकारों को रोकने के लिए कोई भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। आपने बहुत बार कोशिश की है कि आपके शरीर की जो गैस है उसे आप कंट्रोल कर सको, आपके शरीर में जो एसिड रिफ्लैक्स होता है उसे आप रोक सको, लेकिन बहुत सारे एंटासिड्स लेने के बाद में, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस लेने के बाद में भी आपको आराम नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि आपके शरीर की हर एक कोशिका तक गैस या पदहजमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो चुकी है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको खट्टी डकारों की प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपको दबाते हैं वहाँ पर दबाने के बाद आपको डकारें आना शुरू हो जाती हैं, आपके शरीर की नस नस में कोशिका कोशिका के अंदर गैस जो है वो अपना बहुत एक दबदबा बना चुकी है, तो ये नुस्खा आपके लिए है। वीडियो शुरू करें उससे पहले लेते हैं हमेशा की तरह एक कमेंट जो आया है हमारे ही इस परिवार के किसी सदस्य का, जिन्होंने हमारे द्वारा रिकमेंडेड किए गए किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आज का जो कमेंट आया है वो है शोभना नैयर 8196 की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि सर, स्किन अफेयर्स का एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा है, मार्केट में द बेस्ट है, बट व्हाई दिस इज आउट ऑफ स्टॉक, रिक्वेस्ट यू टू मेक इट अवेलेबल एज सून एज पॉसिबल। शोभना, आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि जो एलोवेरा जेल है वो अब वापस स्टॉक में आ गया है, क्योंकि वो हमारी कंपनी का एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो जैसे ही हम उसे स्टॉक में लेके आते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ एलोवेरा जेल प्रिपेयर्ड करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। मेक श्योर आप अपना एलोवेरा जेल आज ही परचेज कर लीजिएगा, रिजर्व कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी DIYs करते हैं या अपनी स्किन के लिए या अपने बालों के लिए किसी भी तरीके से एलोवेरा जेल को ट्राई करते हैं, तो मेक श्योर कि एक बार आप स्किन अफेयर्स के 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये एलोवेरा जेल मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि इसको प्रोसेस करते समय किसी भी तरीके से कोई भी सिंथेटिक केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सभी के सभी इंग्रीडियंट जो है वो प्लांट बेस्ड है, और प्लांट बेस्ड होने की वजह से ये 100% ऑर्गेनिक है और आपके बालों को, आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ फायदे देता है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं देता। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, मेक श्योर आप ट्राई जरूर कीजिएगा। दोस्तों लौटते हैं अब अपने नुस्खे की तरफ, जिसके तो नंबर वन जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है भुना हुआ चना। ये वही चना है जो कि घोड़े को खिलाया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ताकत होती है, और इसी वजह से कहा जाता है कि चना अगर आप खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। 25 ग्राम आप बिल्कुल तोल करके लेंगे, 25 ग्राम आपको जो है वो चना ले लेना है, और लगभग 4 गुना पानी के अंदर आपको इसे भिगो देना है। रात भर भीगने के बाद जब ये बिल्कुल फूल करके तैयार हो जाएगा, आप इसका जो एक्स्ट्रा वाटर बचेगा उसे निकाल देंगे, और उसे निकालने के बाद में इस चने के अंदर जो कि भीग चुका है कुछ इंग्रीडियंट्स और ऐड करेंगे, और उसके बाद में ये आपके खाने के लिए तैयार हो जाएगा। जो दूसरा इंग्रीडियंट आपको इसके अंदर ऐड है वो है लहसुन की कलियां, लगभग 4 से 6 लहसुन की कलियां डालने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर होता है बहुत सारा सल्फर और बहुत सारा पोटेशियम, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, जिसकी वजह से हमारा खाना बहुत अच्छे से पचता है और हमारे शरीर के अंदर गैस बनने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ना शुरू हो जाती है। तो बहुत बारीक बारीक आप इन लहसुन की कलियों को काट लीजिएगा और इन चनों के साथ में आपको ऐड कर लेना है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है 2 चम्मच शहद। अगर लेकिन आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं तो शहद को पूरी तरीके से आप स्किप कर देंगे, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। शहद यहाँ पर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि शहद जो है वो एक नेचुरल ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होता, और जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन रुक जाता है तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम जो होता है वो स्मूथली अपना काम करना शुरू कर देता है, लिवर की फंक्शनिंग भी प्रॉपरली हो जाती है जब आप शहद को अपने रूटीन में शामिल करना शुरू कर देते हैं। सो 2 चम्मच आपको इसके अंदर शहद ऐड कर देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इसके अंदर लेना है वो है 1 चम्मच साबुत जीरा। जी हाँ, कच्चा जीरा आपको लेना है, जीरे को भूनना यहां पर नहीं है, और 1 चम्मच जीरा जो है आपको इसके अंदर ऐड कर देना है।
जीरा इसके अंदर ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीरे के अंदर होती हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसकी वजह से हमारा खाना बहुत नेचुरल तरीके से, बहुत हेल्दी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। हमारी स्किन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बालों के अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन अगर चल रहा होता है उसको भी जीरा ख़त्म करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को प्रमोट करता है। तो एक चम्मच कच्चा जीरा हमें इसके अंदर ऐड करना है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें ऐड करना है वो है लगभग 10 छोटी छोटी जो काली मिर्च रहती है उसके पाउडर को आप ऐड कर दीजिए। और लगभग छठा इंग्रेडिएंट है 1/2 चम्मच आप इसके अंदर काला नमक ऐड कर दीजिए। इन दोनों चीज़ों को, इन चारों चीज़ों के साथ मिला करके एक टेस्टी आपका चना चाट जैसा बन करके तैयार हो जाएगा, जो थोड़ा सा मीठा भी है, थोड़ा सा सॉल्टी भी है। और इस चाट को आपको सुबह सुबह खाली पेट रोज़ खाना है। और इसके लगभग 1/2 घंटे बाद ही आप कोई भी खाने पीने की चीज़ को अपने रूटीन में शामिल करेंगे। अब देखो कि जैसे जैसे आप इसे करते जा रहे हो, आपके बर्ब्स, एसिडिटी, ब्लोटिंग, फार्ट्स और जिस भी तरह का अनकंफर्टेबिलिटी आपको होती थी गैस की वजह से, वो सब कुछ बंद हो जाएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गैस की वजह से आपका सर चढ़ जाता है, आपको माइग्रेन की कंप्लेंट आ जाती है, आपके घुटनों में दर्द हो जाता है, आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर सूजन है वो भी आपको रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। मेक श्योर इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा। कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे लाइफ टाइम भी फॉलो कर सकते हैं। और मेक श्योर ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट जो मोस्ट डिमांडेड था हमें कमेंट्स के माध्यम से जो मैंने आपको दिया, वो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।